आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपाचे स्ट्रॉम के बारे में। इससे पहले वाले जो टॉपिक आपने पढ़े थे, मैं एक एक बेसिक से आपको बताता हूँ। इससे पहले आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हडूप के बारे में। हडूप एक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद में अपाचे ओजी पढ़ा था, जो कि हडूप के बेस पर काम कर रहा था। और आज हम पढ़ रहे हैं अपाचे स्ट्रॉम को। और अपाचे स्ट्रॉम के बारे में भी वही बेसिक सी बात है जो मैंने हर एक के बारे में बताई थी। जैसे कि हडूप है, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, वैसे ही अपाचे स्ट्रॉम है, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है जो इजीली अवेलेबल रहता है, जिसके ऊपर कॉपीराइट की संभावनाएँ नहीं होती, जिसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोडिंग में बदलाव कर सकते हैं, कमांड्स यूज कर सकते हैं। मेनली ये ट्विटर में यूज आ रहा है। इसके अलावा तीन एप्लीकेशन और भी लिखे मैंने। नेवी साइट है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी है, जो आपको फ्रीली क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है कम कॉस्ट के अंदर। एक वीगो ऐप भी है। ये तीनों जो जो बने हुए एप्लीकेशन जो इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये अपाचे स्ट्रॉम के अंदर काम कर रहे हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग यूज करता है। आप पिछले वाले वीडियो भी अगर लगातार देख रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हम ग्रुप बना के अगर किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करते हैं तो वो बैच प्रोसेसिंग होता है। और इसी तरह से अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी होता है, जब वन बाई वन प्रोसेसिंग होती है, एक एक करके डेटा की प्रोसेसिंग होती है। और एक होती है रियल टाइम प्रोसेसिंग। आज के समय में रियल टाइम प्रोसेसिंग ज़्यादा चलती है। वैसे रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब कोई भी काम कहीं से भी अगर हम लोग एक्सेस कर लेते हैं तो वो रियल टाइम प्रोसेसिंग कहलाता है। तुरंत काम होना, ऑटोमेटिकली काम होना, वो रियल टाइम प्रोसेसिंग है। जैसे कि काम हो गया स्ट्रीमिंग का, आप लोग यूट्यूब वीडियो भी देखते हैं, नेट से डेटा भी लेते हैं, तो आपको पता है कि वो जो डेटा है वो कंटिन्यूस हमारे पास एक्सेस होता है। तो ये हमारी एक तरह से स्ट्रीमिंग है। कंटिन्यूस डेटा को एक बफर के अंदर रखा जाता है, फिर वहाँ से डेटा को एक्सेस किया जाता है। एक तरह से ये आपका बफर है। तो ये फैसिलिटी भी अपाचे स्ट्रॉम के अंदर पाई जाती है। तो चार चीज़ें आपको बेसिक याद रहनी चाहिए। एक तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक रियल टाइम प्रोसेसिंग है, एक स्ट्रीमिंग बफर प्रोवाइड कराता है। अगर हम हडूप के साथ में, जैसे कि इससे पहले भी जितने टॉपिक पढ़े उनका सबका कंपैरिजन हडूप के साथ में किया है, या हडूप को साथ लेके किया गया है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन था वो हडूप ही था। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है, इसमें बैच प्रोसेसिंग होता है, स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है। स्टेटलेस स्टेटफुल प्रोटोकॉल में आपने पढ़े होंगे, जो कंटिन्यूस जुड़े हुए रहते हैं वो स्टेटफुल होते हैं। जैसे कि वेबसाइट के अंदर लगातार डाउनलोड या अपलोड का काम जो होता है, स्टेटलेस का मतलब होता है जब तक हमारा वर्क हो रहा है तब तक ही हम उससे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो पर्टिकुलर वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि वेबसाइट कब तक आपको एक्सेस करने की परमिशन देती है। सुपरवाइजर की तरह काम करता है, मतलब सब पे एक्सेस करने का, कंट्रोल करने का काम रहता है इसका। और ये मेनली हडूप टास्क से मतलब होता है, इसको और कोई मतलब नहीं होता है, कि टास्क पूरा हो जाना चाहिए। 10 to 1000 मैसेज एक सेकंड में एक्सेस कर लेता है, एक सेकंड में। ये एक साथ में बड़े डेटा को एक्सेस प्रोसेस करता है। इसमें रिकवरी फेलियर की सुविधा पाई जाती है। डेटा अगर आपका ख़राब हो गया तो आप पुराना डेटा भी वापस एक्सेस करवा सकते हैं। ये सिक्वेंशियली एक्सेस करता है, वन बाई वन एक्सेस करवाता है। रीस्टार्ट आफ्टर स्टॉप, अगर आपका बंद हो गया है कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग बंद हो गई है इसके अंदर, तो ये दोबारा से रीस्टार्ट कर लेगा। और ये जॉब पूरा करके ही रीस्टार्ट करता है, बीच में फेलियर होने के बाद रीस्टार्ट नहीं करता। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी, तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा डिफरेंस हो गया, जो बेसिक सी बातें थी, एप्लीकेशन हो गई। अब बेनिफिट की बात करते हैं। अगर आपको ये बातें समझ आई है तो ये बातें मान के चलो कि आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यूज़र फ्रेंडली होता है, रोबस्ट होता है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है और फास्ट होता है, सारे काम इजीली कर लेता है, अपलोड डाउनलोड कर लेता है, समय कम लगता है, जो नॉर्मली आप लोगों के दिमाग में रहती है ये बातें। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। लगभग अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं अपाचे हडूप के बाद में, उसमें सब ये चीज़ें थी। रियल टाइम सिस्टम मैंने अभी आपको बताया दिया, एंड टू एंड डिलीवरी का काम करता है। मतलब यहाँ से डेटा, अगर मैं डेटा आपकी तरफ भेज रहा हूँ तो पूरा डेटा की डिलीवरी ये करवाएगा, अपलोड डाउनलोड दोनों के अंदर। बात करते हैं हम लोग दो ऑप्शन के बाद में, कंपोनेंट क्या क्या है उसके। एक शब्द है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं,
जैसे इसमें से एक शब्द है टपल। टपल आप किसको बोलेंगे? जो ऑर्डर्ड एलिमेंट है, जो अरेंज एलिमेंट है, जिसमें सारे प्रकार के डेटा टाइप आ जाएंगे, इंटीजर है, फ्लॉट है, करेक्टर है, सब तरह का डेटा आ जाएगा, उसको हम लोग यहाँ टपल बोलते हैं। कुछ वर्ड है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके रखती है, हर एक टॉपिक अपने अकॉर्डिंग अरेंज करता है। जैसे आप आगे भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सेफ है, पपेट है, तो सब ने अपने अकॉर्डिंग अपने कुछ ना कुछ उनके नाम दे रखे हैं। स्ट्रीमिंग का मीनिंग आपको मैंने बताया था, जो डेटा आप रूटेड करते हैं, वन बाय वन एक्सेस कराते हैं बफर के द्वारा, और ये अनऑर्डर्ड होता है, कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये स्ट्रीमिंग होता है। और बोल्ट, इसने एक शब्द यूज किया है, बोल्ट को ये प्रोसेसिंग मान रहा है, और प्रोसेसिंग का हमेशा फ़ायदा क्या होता है कि आपको आउटपुट मिलता है। बोल्ट इसके अलावा, प्रोसेसिंग के अलावा जो ये पार्ट है, ये आपको जो फिल्टर करने में भी क्या करता है, मदद करता है, और डेटाबेस से रिलेटेड काम करता है। तो जैसे स्ट्रीमिंग का काम ये कर रहा है, तो प्रोसेसिंग का काम और डेटाबेस से संबंधित, क्योंकि डेटा को स्टोर भी करना पड़ेगा या फिल्टर करने का काम ये आपका कर रहा है। स्पाउट एक पार्ट है, जैसे कि स्ट्रीम तो कर ही रहा है, स्ट्रीमिंग रूटेड रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, स्पाउट भी स्ट्रीमिंग करने में आपको हेल्प करता है। तो कुछ पॉइंट है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि बोल्ट है, प्रोसेसिंग है, स्ट्रीमिंग है, स्पाउट है, स्ट्रीमिंग में मदद कर रहा है। टोपोलॉजी क्या होता है? स्पाउट और बोल्ट दोनों के बीच के अंदर जो मैनेजमेंट करने का काम है, दोनों को मिला के वर्क करवाने में जो मदद है, वो टोपोलॉजी कहलाती है। टास्क, यहाँ पर जब कंपोनेंट जो है वो एक सीक्वेंस में रन करने में मदद करेगा, स्ट्रिंग का ग्रुप बना के ये एक सीक्वेंस में अरेंज करेगा और ये सीक्वेंस में रन करेगा। तो एक टास्क हो गया, एक स्ट्रिंग ग्रुप हो गया, और एक वर्कर हो गया। वो ये कहता है कि अलग अलग नोड जो है वो अलग अलग जगह पे होते हुए भी डिस्ट्रीब्यूटेड काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है सब जगह शेयरिंग होती है, सब जगह प्रोसेसिंग एक साथ होती है। तो कंपोनेंट आपको लगेगा कि कुछ याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन बेसिक से पॉइंट है। कुछ कंपोनेंट इसने नाम दे रखे आपको याद रखने के, बोल्ट प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, वर्कर सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड के रूप में प्रोसेसिंग करवा रहा है, टास्क है एक सीक्वेंस में रन करवा रहा है, एक सीक्वेंस अरेंज करने का काम ये कर रहा है। तो कुछ पॉइंट है थोड़े बहुत दिमाग में रखने पड़ेंगे, तो इजीली आपके एक्सेस हो जाएंगे। अब मैं ये समझाऊंगा तब आपको ये प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात है क्लस्टर का आर्किटेक्चर, मतलब इसका इनबिल्ट अंदर आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है, वो चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें एक शब्द है निम्बुस। निम्बुस आप किसको बोलते हैं? मास्टर नोड को, मास्टर सर्वर को, मेन सर्वर को, जो सारों को अरेंज कर रहा है। सभी नोड, जो वर्कर मैंने आपको अभी बताए थे, जो अलग अलग जगह पे मिलजुल के काम कर रहे हैं, सभी नोड्स है उसको अरेंज करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम मास्टर सर्वर करता है। सुपरवाइजर जो इनको देख रेख कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको हम सुपरवाइजर नोड कहेंगे। वर्क प्रोसेस का मतलब जो भी हमारे टास्क एग्जीक्यूट हो रही है वो हमारा क्या काम कहलाएगा, वर्क का प्रोसेसिंग हो रही है वन बाय वन। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं तो वो आपको आउटपुट देते हैं, तब आपने उसको कहा कि वो प्रोग्राम क्या हो गया, आपका एग्जीक्यूट हो गया। जू कीपर है, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्कर जो डेटा को अलग अलग एक्सेस कर रहे हैं, तो जू कीपर आपके उस डेटा को शेयर करने में और मेंटेन करने में मदद कर रहा है, और लास्ट है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस चीज़ को ये अलग अलग पार्ट इसने बना रखे, ज़्यादा अच्छा समझ इससे आएगा कि सबसे पहले टोपोलॉजी जो है, जो मैंने आपको बताया था टोपोलॉजी जो इनके बीच में स्पाउट और बोल्ट के बीच में काम करती है, वो वेट करती है, जैसे ही उसको मिलता है तो सबमिट करती है। सबमिट के बाद में वर्क का क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो एग्जीक्यूट भी होता है, आउटपुट भी मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, जो कि काम कौन करता है, जू कीपर करता है। उसके बाद में अगर सुपरवाइजर डाई हो जाए, जो कि आगे देने का काम करता है, अगर वो डाई हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर तक कौन कर रहा था, जू कीपर कर रहा था। और सुपरवाइजर अगर डाई हो जाए तो आप एक ने काम बंद कर दिया, वो डाई हो गया तो दूसरे को काम दे देंगे। अब वो सुपरवाइजर है वो बाकी की जो नोड है उनको एक्सेस करेगा, उनको एक्सेस करेगा, उनको बुलाएगा, और फिर उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा, फिर नेक्स्ट टास्क लेगा। अगर ऐसे करते करते जो आपकी मेन मास्टर नोड है, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, वो अगर डाई हो गई तो मान के चलो कि पूरी सर्विस ही आपको क्या करनी पड़ेगी, रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई अपाचे स्टॉर्म के बारे में बेसिक सा ज्ञान या उसको इंस्टॉल करके देखना चाहता है, तो सबसे पहले उसको जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जावा तो मेन है ही सबके अंदर जो यूज आ रही है। जू कीपर डालना पड़ेगा नेट से, आपको सर्च करके वेबसाइट से इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है,
और अपाचे स्टॉर्म का फ्रेमवर्क डालना पड़ेगा जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, डिफरेंस हो गया, कहाँ यूज आ रहा है, क्या बेनिफिट है, फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, उसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है जिसमें निम्बू सबको कंट्रोल करता है, सुपरवाइजर अलग अलग टास्क पे काम करता है, जू कीपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये आपका हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, इंस्टॉलेशन आ जाएगा। तो ये आपका ख़त्म हुआ।